चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य और भारत के जनमानस के हृदय में व्याप्त प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास में 11.5 वर्ष चित्रकूट के अरण्यों में बिताए। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के सम्मुख बच्चे बने यहाँ। महर्षि मार्कंडेय, अत्रि, वाल्मीकि और दत्तात्रेय जैसे ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया। पवित्र नदी मंदाकिनी का किनारा है, कामदगिरी और पर्वत हनुमान धारा है। यहाँ की वायु में प्रकृति की सुगंध है, यहाँ की मिट्टी में तपस्या का बल है, यहाँ के आकाश में देवताओं का आशीर्वाद है और यहाँ के जल में शांति की मिठास है। पवित्रता और प्रकृति का संगम है अटूट, ऋषि मुनियों का स्थल है ये चित्रकूट। चित्रकूट गिरि करहुं निवासु, तहां तुम्हार सब भांत सुपासु। यहां श्री चित्रकूट धाम की अनंत महिमा है। जब भगवान राम को अयोध्या से वनवास हुआ तो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी ने यह स्थान बताया था भगवान को रहने के लिए, तो वो ये चित्रकूट में स्थित श्री कामदगिरि है, यहाँ पर आप निवास करिए। तो फिर भगवान राम माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं। इसके बाद श्री कामदगिरि पर, जहाँ पर आज लाखों लोग परिक्रमा करने आते हैं कामतानाथ दरबार में, और यहाँ पर उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। कि हमने केवल कामदगिरि का दर्शन मात्र किया है, कामतानाथ जी का दर्शन किया है, तो मेरे हृदय में जो भी विषाद है उनका हरण हो जाता है, ऐसी इनकी आज भी मान्यता है। और करोड़ों लोगों को लाभ भी मिलता है। तो लोग बाग अमावस्या को विशेष परिक्रमा लगाते हैं, पूर्णमासी को भी लगाते हैं। कामम ददातीत कामदः, समग्र कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाले, ऐसे कामदगिरि हैं जो चित्रकूट धाम में स्थित हैं। वाल्मीकि आश्रम मिर्जापुर झांसी राजमार्ग पर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट का प्रवेश द्वार माना जाता है। भगवान राम के पुत्र लव एवं कुश का जन्म स्थान यही है। यही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली है। यह भगवान राम जब श्री चित्रकूट धाम में आए तो यहाँ पर गुप्त रूप में गोदावरी जी आई। गोदावरी जी माँ जो नासिक में हैं, वो यहाँ पर गुप्त रूप में उद्गम उनका हुआ था और आज भी वह प्रवाहित हैं और हम सारे लोग उनका दर्शन करते हैं। यह गुफा किसी के द्वारा बनी नहीं है, ये देवताओं के द्वारा निर्मित गुफा है। यहाँ पर ठाकुर जी ने माता जानकी जी के साथ निवास भी किया है और मुख्य रूप से उस त्रेता काल के समय में जो गुफा का स्वरूप था वो वर्तमान की स्थिति में भी है। किसी मानव के द्वारा निर्मित ये गुफा नहीं है, प्राकृतिक है। आज भी इसका दर्शन हम कर रहे हैं। राम शैया, यह वो स्थान है जहां वनवास काल में प्रभु श्री राम और माता सीता विश्राम किया करते थे। यहां उनके विश्राम और राम जी के धनुष और बाण रखने की जगह चिन्हित हैं। भरत मिलाप, यह स्थान है जहां भरत जी श्री राम से मिले थे। उन्हें वापस अयोध्या चलकर राजकाज संभालने का निवेदन लेकर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न
चारों भाइयों का मिलाप इतना भावुक था कि माना जाता है कि पत्थर भी पिघल गए थे। भरत मिलाप मंदिर में चारों भाइयों के पदचिन्ह देखने को मिलते हैं। ऋषियन आश्रम, इसे 84,000 ऋषियों की साधना स्थली माना जाता है। भगवान राम ने चित्रकूट जाते समय यहां रुककर ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यहां दानवराज बाणासुर की राजधानी थी और वह शिव भक्त था। गुफा के अंदर बहता निर्मल जल मानो शिवलिंग का निरंतर अभिषेक करता है। बांके सिद्ध, इन गुफाओं में तपस्वी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देने स्वयं यहां आए और उन्होंने ही नाम दिया सब सिद्धों में सिद्ध एक, ये बांके सिद्ध कहलाएगा। ये माता सती अनसुईया का पावन स्थल है और यहाँ पर माँ मंदाकिनी का उद्गम हुआ था। जब उस समय के कालखंड में पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए स्वयं अपनी पति देव अत्रि की प्यास बुझाने के लिए माता सती अनसुईया ने यहाँ पर स्वर्गवाहिनी माँ गंगा मंदाकिनी जी का आवाहन किया था। तो यहाँ पर माँ मंदाकिनी उद्गम स्थल है, यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। ये वही श्री चित्रकूट धाम है, माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल है। इसको सती अनसुईया का स्थल के नाम से जाना जाता है। माता सती अनसुईया और अत्रि जी इसी स्थान पर रहते हैं। शबरी जल प्रपात, मान्यता है कि भगवान राम ने शबरी के बेर खाने के बाद इसी कुंड में स्नान किया था। तब मंदाकिनी ने यहां अपना एक अंश गिराया था। वर्षा ऋतु में त्रिजल धारा के 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से नीचे गिरती जलराशि धरती पर बादलों के होने का एहसास कराती है। हनुमान धारा, लंका दहन के पश्चात हनुमान जी पूंछ में लगी आग को बुझाने इसी जगह आए, जिसे भक्त हनुमान धारा कहते हैं। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है। मड़फा दुर्ग, मड़फा पर्वत मांडव्य ऋषि और आयुर्वेद के जनक चरक की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि 1209 ईस्वी में गुजरात से आए व्याघ्र देव ने मड़फा दुर्ग का निर्माण कराया। यहां प्रतिष्ठित पंचमुखी शिव मूर्ति आकर्षण और आस्था का केंद्र है। नांदी के हनुमान जी, यहां स्थित दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति की पूजा करने तुलसीदास जी प्रतिदिन राजापुर से आया करते थे। परिसर में लगा पीपल का पेड़ उन्हीं के द्वारा लगाया गया है। तुलसी पीठ, श्री रामचरितमानस की रचना करके भगवान राम को घर घर पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म इसी स्थान पर राजापुर में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा सन 1987 में तुलसी पीठ की स्थापना हुई। यहां कांच मंदिर और मानस मंदिर दर्शन और आस्था का केंद्र हैं। तुलसी गुफा, तुलसी गुफा में तोतामुखी हनुमान जी का मंदिर है। तुलसी बाबा के खड़ाऊं और वह पत्थर है जिस पर वह चंदन घिसा करते थे। मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के 7 कांडों का लेखन काशी में किया, फिर हनुमान जी की आज्ञा से भगवान राम के दर्शन हेतु चित्रकूट आ गए।
राम घाट में पर्णकुटी के बगल एक गुफा में निवास स्थान बनाया, जिसे आज तुलसी गुफा के नाम से जाना जाता है। सोमनाथ चर। दमनकारी ताकतों ने वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण सोमनाथ चर को खंडित कर दिया। यहां प्रतिष्ठित शिवलिंग को भी क्षति पहुंचाई गई। माना जाता है कि यहां 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, जिनके अवशेष आज भी आपको देखने को मिलेंगे। अति प्राचीन वास्तुकला के ऐसे उदाहरण पर सही ही कहा गया है, देवानाम चित्रानाम कूटा इति चित्रकूटा। गणेश बाग। यह स्थान अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण जाना जाता है। यहाँ के मंदिर में खजुराहो की छाप मिलती है। मराठा शासक विनायक राव पेशवा द्वारा 19वीं सदी में बनाया गया महल और बावली दर्शन योग्य स्थान है। यह श्री चित्रकूट धाम में माँ मंदाकिनी के पावन तट पर स्फटिक शिला है। यहाँ पर भगवान राम ने माता जानकी जी का श्रृंगार किया था। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, पहिराए प्रभु सीतह सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। तो ये वही स्थल है, यहाँ प्रभु विराजमान रहे। माता जानकी जी, यहाँ प्रभु राम जी, और ये उनके चरण चिन्ह बने हुए। और इस शिला की ये विशेषता है कि ऐसा अद्वितीय पाषाण हमें दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। और जिस प्रकार से भगवान ने श्रृंगार किया था माता जानकी का, ऐसा ही अनुभव इस श्रृंगार की पवित्र भूमि श्री चित्रकूट धाम पर हमें अनुभव भी होता है। और हम आज दर्शन कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग इसका दर्शन कर पा रहे हैं, यहाँ पर आकर के आनंद लेते हैं। बालाजी मंदिर। मंदिरों को तोड़ने के लिए बदनाम मुगल शासक औरंगजेब जब चित्रकूट पहुंचा तो उसकी सेना यहां भी मूर्तियां तोड़ने को बढ़ी, किंतु सभी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। संत बालक दास ने सभी को ठीक किया। इस घटना से प्रभावित होकर औरंगजेब ने सन 1683 ईस्वी में बालाजी मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मण पहाड़ी। जब हम कामदगिरी की प्रदक्षिणा करते हैं तो फिर वह भाग दक्षिण तरफ में पड़ता है और उसको हम लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उस पर लखनलाल जी बैठ करके पहरा देते थे। लाइना बाबा सरकार। पास में ही रेलवे लाइन की खुदाई के समय हनुमान जी की एक मूर्ति प्राप्त हुई। उसी मूर्ति की स्थापना कर ये स्थान आज श्रद्धालुओं के लिए लाइना बाबा सरकार के नाम से जाना जाता है। कालिंजर किला। इसे भारत के सबसे विशाल और अपराजेय दुर्गों में गिना जाता रहा है। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी और हुमायूं आदि ने इस पर आक्रमण किया और असफल रहे। मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को पीकर शिव जी ने यहीं उसकी अग्नि को शांत किया था। इसीलिए यहां नीलकंठ शिव मंदिर है। स्थापत्य कला और इतिहास का अनुपम उदाहरण है कालिंजर किला। मंदाकिनी आरती।
इस वन स्थली को, तप स्थली को, सुंदर छवि को देखिए। चित्रकूट की पावन भू पर आप भी माथा टेकिए।